यार ये देख लो आज गंज हमें लेके जा रहे हैं अपने ही बर्थडे पार्टी में खुद चला के, ये देख लो, ये ले यार आगे तेरे रिटर्न गिफ्ट्स। तो गाइस यार मैं हो गई हूँ रेडी और गंज भी आ रहे हैं नीचे बस रेडी होके। तो यार ये मेरी आज की लुक है यार। ये है वो आदमी जो मेरी शॉपिंग और भैया की शॉपिंग के लिए आया था। और ये देखो डिसाइड किया था ये मेरे को बहुत सारी शॉपिंग कराएगा ऑफिस के हिसाब से, लेकिन सिर्फ इसे मुझे दो चीजें लेके दी। एक्सपीरियंस बताओ यार सर। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो IIM के एलुमनाइज ने मिलके एक ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ये चीज करें। इसका रीजन ये भी है रेडी। उसका रीजन ये है आज है गंज का डे और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो रही है। तो आज यार हम छोटे बच्चों के जो उसके फ्रेंड्स है ना उनको लेके जा रहे हैं कहीं, उसके बाद होगा लंच और फिर आएंगे हम घर वापस। यार मैं ना जल्दी से पी रही हूँ एक ब्लैक कॉफी, ये पी के मैं होंगी रेडी। भाभी और गंज भी हो रहे हैं ऊपर रेडी, उसके बाद हमने निकलना है। आई थिंक 12 बजे तक हम निकल जाएंगे। सुदीप सो रहा है वो उठ जाएगा, उसको भी मम्मा ब्रेकफास्ट दे देंगी या वो खुद देख लेगा अपने आप क्या करना है। गाइस यार मैं हो गई हूँ रेडी और गंज भी आ रहे हैं नीचे बस रेडी होके। तो यार ये मेरी आज की लुक है पार्टी के लिए। तो ये फर्स्ट पार्टी है, उससे पहले तो हमने उसको सरप्राइजेस दिए थे, तो ये फर्स्ट पार्टी है। उसके बाद अभी और भी पार्टीज हैं तो वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो फटाफट चलते हैं, निकलते हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स को हमें पिक करना है तो पिक करेंगे और फिर सीधा चलेंगे हम डक डक गूस। गंज हो गया रेडी, ये इसकी आज की लुक है, ये देखो। बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्या प्लान है फिर अभी? वैसे मैंने सबको बता दिया हम डक डक गूस जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम कुछ खाएंगे साउथ इंडियन। वाओ ये आज फर्स्ट पार्टी है। और हम गाड़ी में खाएंगे अंकल चिप्स, मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद है, मैं रोज लेके जाता हूं। वाओ चलो फिर बैठें गाड़ी में। शाना चावला में आपके वो रखवाएं, रिटर्न गिफ्ट्स रखवाएं। यार ये देख लो आज गंज हमें लेके जा रहे हैं अपने ही बर्थडे पार्टी में खुद चला के, ये देख लो है गंज। ये ले यार आगे तेरे रिटर्न गिफ्ट्स। यार यहां आए हम डक डक गूस और बहुत सारे बच्चे आए हैं हमारे साथ, तो बस अभी अंदर चलते हैं और मैं दिखाती रहूंगी ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके अंदर है सारे बच्चे, गंज भी यही है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये जगह की लुक एंड फील लग रही है, यहाँ पे बच्चे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। मजा आया खाने चले अब। आफ्टर गूज हम जा रहे हैं जगह नॉट, यहाँ पे 24 लोगों की बुकिंग है, बच्चे और हम सब बड़े। तो चलते हैं एंट्री पे, टेबल हमने बुक करा हुआ है, तो लेट्स गो। गाइस तो मैं चढ़ी हूं चेयर के ऊपर, बहुत मजा आ रहा है। यार ये देख लो इनको, गंज कैसा था एक्सपीरियंस बताओ यार सर। बाकी ये रे, बाकी ये रहा, ये रहा। फोटो क्लिक हो रही है क्या? हाँ सबने यहाँ पे करा है अभी लंच। हाल देख लो इतना सारा खाना ऑर्डर किया था। A few moments later Wow, unicorn. Back के अंदर कुछ है, कुछ तो है। I think वो है का phone. You were a chalak bro. नहीं phone नहीं है कुछ। ये भी bag है। इतने bag मिले हैं, मेरे को इतने सारे bag मिले हैं। देख अब तो अब use करना start कर दे। Next gift है हमारा। भाई हर में same है। Bag. ये क्या है? Wow, packing बड़ी अच्छी है। सेम टू केमिस्ट्री लैब, दो दो तीन तीन बैग, दो दो केमिस्ट्री लैब। लास्ट गिफ्ट है ओपन करने वाला और ये कर रही है अब इसको। वाओ यार ये बड़ा सुंदर सा है कुछ, ये तो है। हेलो किची टेबल है ये टेबल। Later that same evening. अब हम दोनों आए हैं गुड़गांव, जैसे कि हम अपने घर आते हैं। तो अभी हम पहले जा रहे हैं एम्बियंस मॉल, वहाँ देखेंगे कुछ कुछ सामान, थोड़ी सी हमें शॉपिंग करनी है, फिर पियेंगे कॉफी अगर मन करा तो,
और उसके बाद हम करेंगे डिनर। तो भूख भी लगी यार, तो देखते हैं कॉफी पीनी है नहीं पीनी है, फिर डिनर करके चलेंगे अपने घर। लंच मैंने किया ही नहीं क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया था, उसके बाद मैं टीवी देखते देखते सो गया। तो अब सीधा भूख लग रही है बहुत तगड़ी वाली, और एम्बियंस मॉल की पार्किंग में इस टाइम पे गाड़ी लगा रहा हूँ, फटाफट से ऊपर जाएंगे। अब देखते हैं भाई खाने को क्या मिलता है, पहले तो इनकी शॉपिंग वॉपिंग करवा दूं। मेरे को कॉफी पीनी है, स्टारबक्स की कॉफी पी हुए मुझे आज कम से कम नहीं तो 3 हफ्ते हो चुके हैं, बड़ा मन कर रहा है पीने का। हम जा रहे हैं जैक एंड जोन्स, भैया का बर्थडे है तो उनके लिए हमें यहाँ से गिफ्ट लेना है, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या मिलता है। यार ये है वो आदमी जो मेरी शॉपिंग और भैया की शॉपिंग के लिए आया था, और ये देखो बड़ा हरामी हो। मैंने अपनी ले ली है चार, भैया की है ना एक, मतलब आज हम डिसाइड करके आए थे कि मेरी करेंगे और भैया की शॉपिंग करेंगे, और ये देख लो इसको अपनी ले ली है, मेरा कुछ नहीं लिया इसमें। जा रहे हैं इसका लेने जा रहे हैं, तो ऐसा है इसको भी मैंने ले दिया है, ऐसी बात नहीं है। कम लेके दिया इसने, बहुत कम क्या लेके दिया, ले तो दिया। डिसाइड किया था ये मेरे को बहुत सारी शॉपिंग कराएगा ऑफिस के हिसाब से, लेकिन सिर्फ इसमें मुझे दो चीजें लेके, जब कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे, मिला वाली बात भी नहीं है। जब ये सर सो के उठेंगे मुझे मॉल लेके आएंगे, 8:30 बजे सर मॉल ला रहे हैं, तो कहाँ से शॉपिंग होगी। ये देख लो यार इसका सामान दिखाता हूँ, ये तो मेरा वाला है, ये रहा इसका, ये देखो को भी लेके दे दिया है, ऐसी बात नहीं है, देख लो अंदर रखा है। 8:30 बजे कोई मॉल आके थोड़ी शॉपिंग करता है, 8:30 की बात नहीं है ना, इसको समझाओ कि भाई अगर मॉल आना है तो 6 बजे आना पड़ता है। एक कल लेट हो गए थे ना रात को, उस चक्कर में फिर मैं सो गया। तुम हर सैटरडे लेट होते हो भाई, तो सैटरडे ही मिलता है एक, और क्या करें, नहीं होता है ना मेरी शॉपिंग है। लेकिन मैंने इसको व्हाट्सएप पर लिख के बोला इसको साइन करे 13 अगस्त नेक्स्ट संडे मेरे को आराम से शॉपिंग करनी है 15-20 हज़ार रुपये की, ये लो और ये करवाएगा, क्योंकि इनफ इज इनफ, कपड़े चाहिए। बताओ। और अब हम आ गए कॉफ़ी पीने स्टारबक्स। ये एम्बियंस के फूड कोर्ट में नई चीज़ स्टार्ट हुई है, यहाँ पे आप टेबल पे आपका ऑर्डर आ जाएगा, आप यहीं से प्लेस कर दो। ये IIM के एलुमनाई ने इनिशिएटिव लिया है ये करने के लिए, सो दैट लोगों को ईजी रहे, तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है यार। मेरा ऑर्डर आ गया है अमृतसरी कुलचा और छोले कोक, ये फ्राइज, ये इसने फ्रेज राइस से लिया है, मटन रोल और एक वेज सरप्राइज। यार हम लोग निकल चुके हैं एम्बियंस मॉल से, और बस हम घर पहुंच जाएंगे 20-25 मिनट्स में, रास्ते में ही हैं। हमने देखा है जैसे थोड़े ओल्ड लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, उनकी भी एज हो रही है, अब वो कभी फूड कोर्ट आना चाहें तो वो आके उनको बार बार उठ के पहले ऑर्डर देना फिर लेने जाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार। बार बार हम लोग तो भाग भाग के कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमें लगा, मैंने आज ऐसे ही ऑर्डर किया टेबल पे ही, और विद इन 10-15 मिनट्स वो खाना आ गया। तो यार बहुत बढ़िया, अच्छा है, हैट्स ऑफ टू दी IIM एलुमनाई जिसने ये किया है। अरे जो महीना है ना अगस्त का, इतना गंदा होता है, मतलब वेदर वाइज बोल रहा हूँ मैं, कि इतना चिपचिपा वेदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है, प्लस बॉडी के अंदर ना थकावट सी हो जाती है। मंडे टू फ्राइडे तो एकदम बढ़िया रहता है फर्स्ट क्लास, सैटरडे संडे अजीब सी थकावट सी हो जाती है। तो और ये अगस्त के महीने में भी मैं नोट कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से ये चीज हो रही है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा वेदर में जो चेंजेस आए ना बिकॉज ऑफ दैट। जैसे ही सितंबर आता है ना एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम हिसाब किताब होता है, प्लस बॉडी भी अच्छा फील करना शुरू कर देती है। जो बारिशों का ये जो टाइम है ना यार, बहुत अजीब टाइम है, जब बारिश हो तो भाई ढंग से हो, वरना ये 5-10 मिनट की बारिश तो काम खराब ही करती है। हम लगे सोने, हम आपसे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।